जैसे मैंने निकाह किया, उसके बाद अगर वलीमा मतलब शानो शौकत से नहीं करेंगे, नॉर्मल अपने भाई बहन को घर में बिरयानी बना के और भाई बहन को खिला दिए रिश्तेदारों को, और बोले ये मेरा वलीमा है, तो ये वलीमा दुरुस्त होगा? बिल्कुल, मैंने जैसा कि गुफ्तगू करते हुए ये बयान किया कि वलीमे के अंदर कितने लोगों को खिलाना है इसकी कोई तहदीद नहीं है, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खिलाएगा। अगर आपने अपने खानदान वालों को या चंद रिश्तेदारों को या दोस्तों अहबाब को आपने खिला दिया, वलीमा हो गया आपका। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरे मोहल्ले की या पूरे गांव की या जो है इलाके के सारे लोगों की दावत की जाए, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुछ लोगों को भी खिला दिया, वलीमा हो गया आपका। तो इसमें क्या, जैसे एक वलीमा, एक हदीस है कि वलीमा करो कम से कम एक बकरा भी करो, तो अगर हम घर वाले को खिलाएंगे तो क्या कम से कम एक बकरे के बराबर का गोश्त रखना होगा? नहीं, ये जो आप हदीस बता रहे हैं ये जी थोड़ा सा उसको कोट करने में आपसे मिस्टेक हो रही है। हदीस के जी अल्फाज हैं कि औलिम वलौ बेशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। इसका ये हदीस का तर्जमा ये नहीं है कि कम से कम एक बकरी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चाहे एक बकरी ही क्यों ना करो, यानी चाहे कुछ करो लेकिन करो, वलीमा करो कुछ भी करो लेकिन करो। इसका इस हदीस का ये मतलब है, जैसा कि एक दूसरी हदीस महर के सिलसिले में है कि इल्तमिस वलौ खातमम मिन हदीद, कि महर को ढूंढ के लाओ, महर चाहे एक लोहे की अंगूठी क्यों ना लाओ। तो इसका यह मतलब नहीं है कि महर में कम से कम एक अंगूठी होनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। तो इस हदीस का तर्जमा आप ये ना समझे कि कम से कम एक बकरी हो, उससे कम नहीं हो सकता। हदीस का मतलब ये है कि चाहे कुछ करो लेकिन करो। भाई अल्लाह के, सुनिए, एक हदीस है अल्लाह की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज अजवाज का वलीमा किया बेमुद्दैन मिन शईर। ये हदीस के अल्फाज हैं। दो मुद जौ, जौ समझते हैं, जी, बार में दो मुद जौ का आपने वलीमा किया, दो मुद खीर का वजन तकरीबन हो जाएगा मोटा मोटी तकरीबन 1 किलो से कुछ जायद। दो मुद जौ का वजन 1 किलो से कुछ जायद हो जाएगा, उतने में आपने वलीमा कर दिया। तो कहाँ है बकरी? सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वलीमा किया, खजूर थे, घी थे और कुछ चंद चीजें थी, उनको मिला करके डिश बनाई गई, वलीमा हो गया। बकरी कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बकरी कम से कम वलीमा में होनी चाहिए, वलीमा में कुछ भी जो मुयस्सर है वो होना चाहिए। अच्छा इम्तियाज भाई, आपने जो तस्करा किया ना, जो हदीस का जी थोड़ा इश्काल जिक्र किया है, उस इश्काल का शेख ने पिछले स्ट्रीम में ही गुफ्तगू की है। उस इश्काल को उठा करके उस मसले की वजाहत स्टार्टिंग में, ओपनिंग कमेंट्स में ही शेख ने वजाहत की है, और उसके साथ में अभी शेख ने दो तीन दलीलें और भी दी, और आज के स्ट्रीम में ही शेख ने एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमे का जिक्र किया, जिसमें आपने बताया कि सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि दस्तरखान लगाया जाए। दस्तरखान लगाया तो उस पर लोगों को कहा कि खाना ले आओ, अपना अपना खाना ले आओ, और लोग अपना अपना खाना लेके आए। कुछ लोग उसमें से खजूर खजूर लेकर के लाए, आए, कुछ लोग पनीर घी लेकर के लाए, आए, कुछ लोग सत्तू लेकर के आए, और फिर उसके बाद आपने मिला दिया, मिला करके आपने कहा कि ये मेरा वलीमा है। आपने फरमाया फकानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा है। शेख ने अभी थोड़ी देर पहले ही इसी हदीस को जिक्र किया, और इसमें भी किसी बकरी का कोई जिक्र नहीं। शेख हाशिम, यहाँ पर 1 मिनट रुक करके मैं एक मसला, एक बहुत ही अहम बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी जी भाई जी ने जो सवाल किया तो उससे मुझे बात याद आई। जी खास तौर से हिंदुस्तान के पस मंजर में हमारे जो भाई अरबी जबान नहीं समझते हैं और कई दफा उर्दू किताबें या अरबी से जो किताबें उर्दू में तर्जमा हुई हैं उन किताबों को पढ़ते हैं और उसकी बुनियाद पर कई दफा वो अपनी तरफ से इज्तिहाद करने लगते हैं, वो तर्जमा पढ़ के। तो ऐसी सूरत में बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए, किसी भी जबान को मुकम्मल तौर से समझने के लिए उस जबान का जानना जरूरी है। हमारी शरीयत के जो नसूस हैं, कुरान और हदीस,
ये अरबी जबान में है और कुरान और हदीस को समझने के लिए फकत तर्जमा पढ़ लेना या उन अल्फाज का माना जान लेना ये काफी नहीं है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कई सारे मसाइल को आप समझ सकते हैं तर्जमा पढ़ करके, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो दकीक इल्मी मसाइल है वो आप तर्जमा पढ़ करके नहीं समझ सकते। वजह उसकी ये है कि हर जबान का अपना एक उसलूब होता है, बसा औकात वही चीज हमारी जबान में दूसरी तरह बोली जाती है और वही चीज अरबी जबान में या किसी और जबान में उसका कोई और उसलूब होता है। तो उस जबान के असालीर को, उसकी ताबीरात को, उसकी बारीकियों को समझना, उसके कवायद को समझना ये जरूरी होता है उस जबान के अंदर वारिद अल्फाज के मदलूलात को समझने के लिए। और ये चीज तर्जमे से आप कतअन नहीं समझ सकते। मेरे पास कई दफा बेशुमार ऐसे मसाइल आते हैं जो फकत जिसमें लोग इसलिए गलती करते हैं कि वो तर्जमा पढ़ करके उसे अपनी उर्दू जबान में समझने की कोशिश करते हैं, तो उर्दू जबान में उसका माना कुछ और होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है अरबी जबान में जरूरत, ये अरबी जबान का कलमा है जरूरत। हमारी जबान में उर्दू में जब हम जरूरत बोलते हैं तो उसका कुछ और माना होता है। जैसे हमें अगर पानी पीने की जरूरत है तो हम कहेंगे हमें पानी पीने की जरूरत है, जबकि शरीयत में जरूरत का माना वो होता है कि जब आप मर रहे हैं अब कोई चारा नहीं है, अगर नहीं आप करोगे वो काम तो या तो आपका दीन चला जाएगा या आपकी दुनिया चली जाएगी, तब उसको जरूरत कहते हैं। जबकि हमारी उर्दू जबान में छोटी सी छोटी चीजों को भी हम जरूरत बोल देते हैं। तो अब अगर किसी उर्दू किताब, किसी अरबी किताब का उर्दू तर्जमा किसी ने किया हुआ है, उसने जरूरत से किया हुआ है और आप वो तर्जमा पढ़ रहे हैं तो आप जाहिर है उसको अपनी जबान के एतबार से समझेंगे और आप गलती करेंगे। आप सामने आकर के कहेंगे भाई मैंने तो फला किताब का तर्जमा पढ़ा है, उसमें जरूरत लिखा हुआ है। तो ये भाई ने भी जो सवाल किया उससे मुझे वो मसला याद आया कि औलिम वलौ बिशातिन का बहुत सारे लोग उर्दू में ये मतलब समझेंगे कि कम से कम एक बकरी ज़बह करो। भाई उर्दू में तर्जमा ऐसे होता है कि कम से कम एक बकरी ज़बह करो, जबकि वो माना नहीं है अरबी उसलूब में, वो माना उसका नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर से अपने उन भाइयों से जो पढ़े लिखे हैं और वो आलिम दीन नहीं है, वो तर्जमे पढ़ सकते हैं या छोटी मोटी चीजें पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को अपनी हद को पहचानना चाहिए। ये दीन के मसाइल हैं, ये कोई आम बात नहीं है कि अगर हमसे गलती भी हो गई तो कोई मसला नहीं है चलेगा, नहीं नहीं चलेगा, ये दीन है। और जब आप इसमें शेवर हो और जब आपके पास इसकी अहलियत हो तब आप इसमें जबान खोलने की जुरात करें, ये दीन है। और आपका ये समझ लेना कि मैं तर्जमा पढ़ लेता हूँ या अरबी इबारत को मैं उसके अल्फाज के मानी को समझ लेता हूँ तो मैं दीन के मसाइल में इज्तिहाद कर सकता हूँ, ये गलती है। बहुत सारे उलमा ने इस मसले को बाकायदा जिक्र करते हैं कि अरबी जबान का तर्जमा समझ लेना ये तमाम मसाइल को समझने के लिए काफी नहीं है। जहां पर कोई बारीक और दकीक इल्मी मसला आएगा वहां पर आपको ठोकर लगेगी, जैसा कि आए दिन हम देखते रहते हैं।